राजू बिष्टा जी, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह। धन्यवाद सर। अच्छा है सर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्र में 2006 से कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए और 16 साल से क्षेत्र में कोई भी जमीनी स्तर की शासन प्रणाली से जनता वंचित रही है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य नहीं हुए। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे लोग बुनियादी सड़क, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सभी सरकारी योजनाओं से वंचित है। राज्य सरकार दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए मिलने वाले जो पंचायत निधि का कई साल तक उन्होंने दुरुपयोग किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत पहाड़ी इलाकों में जो पंचायतों के लिए दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया। उसके बाद जाकर के पश्चिम बंगाल सरकार ने क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा तो की, लेकिन फिर ये पंचायत चुनाव जो है दो स्तरीय ही कराने की घोषणा की है और दो स्तरीय पंचायत प्रणाली असंवैधानिक है और इसके माध्यम से एक बार फिर हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव और उनके साथ साजिश हो रही है। इसलिए मैं जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में 3-tier पंचायत चुनाव ही करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।